वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शह और मात, चेकमेट। सिग्नेचर पान मसाला, द टेस्ट ऑफ विक्ट्री। आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज, सच के साथ लगातार। नमस्कार, मैं हूं जय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज, सच के साथ लगातार। नमस्कार, मैं हूं जय त्रिपाठी। आज एक सवाल कार्यक्रम में हमारे पैनल पर हमारे साथ बैठे हुए हैं पंडित लोकेश द्विवेदी जी, नामी जानी हस्ती हैं और एक बहुत ही अच्छा पश्चिम क्षेत्र ब्राह्मण चेहरा है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला संयोजक है तथा साथ ही साथ बालाजी महासभा में जिला प्रवक्ता है। आज हम उनसे जानना चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, जो अभी राष्ट्रीय बजरंग दल जागरण हिंदू, जो 21 अक्टूबर को जो कार्यक्रम करने जा रही है अयोध्या में, उसके लिए आखिर आपकी क्या तैयारियां हैं, इसका आखिर आपका मुख्य एजेंडा क्या है, इसमें आप किस तरह से लोगों को जोड़ रहे हो, किस तरह से राम मंदिर के निर्माण हेतु कार्य करेंगे। नमस्कार लोकेश जी, सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो आपके माध्यम से जो लोग हमें सुन रहे हैं उन सब देशवासियों को हमारी तरफ से जय श्री राम। जैसा कि आपने हमसे सवाल किया कि हमारा एजेंडा क्या है, हमारा एजेंडा है राम से शुरू मथुरा काशी, ये सब हम स्वतंत्र कराने के एजेंडे को लिए हुए चल रहे हैं। सबसे पहले हम अपना ध्यान पूरा केंद्रित राम जन्मभूमि में करेंगे। 2019 के चुनाव से पहले हमारा ये मिशन है कि राम के जन्मभूमि में मंदिर कार्य आरंभ हो जाए, उसमें चाहे 5 वर्ष क्यों ना लगे बनने में, 19 के पहले, चुनाव से पहले ये कार्य आरंभ हो, संसद में कानून बने, कोर्ट कचहरी के मामले से राम जी को मुक्त करें, संसद में कानून बने और राम जी का मंदिर निर्माण हो, ये हमारा विषय चल रहा है। इसमें हम साधु संतों के निर्देशानुसार डॉक्टर प्रवीण तोबलिया जी के आदेश से 21 अक्टूबर को समस्त भारत वर्ष के लोग लखनऊ एकत्रित होंगे। लखनऊ से अयोध्या तक हम पैदल कूच करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से हमारा ये धार्मिक यात्रा होने वाला है, जिसमें अभी तक गुजरात से 90,000 लोगों ने रिजर्वेशन करवा चुके हैं और आगे भी हमारा लक्ष्य है 2.5 से 3 लाख की संख्या लखनऊ में 18 तारीख से 19 तारीख के बीच उपस्थित हो रही है, ऐसा हमारा अनुमान है संगठन की तरफ से, ऐसी हमारे पास सूचना है। हमारी अब हम घर घर जाएंगे, अन्न की व्यवस्था करेंगे, लोगों से उनके ठहरने की व्यवस्था करनी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हम लखनऊ वालों को दी गई है, जैसा संगठन ने आदेश दिया, जैसी जिम्मेदारियां दी गई उसको हम लोग जितना हो सकेगा निभाया जाएगा। लड़ाई बहुत लंबी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाल करके ऐसे विषय पर, जो इस समय मीडिया एकदम ऐसे विषय को दिखाना नहीं चाहती है, कई ऐसे चैनल वाले आए जिन लोगों ने रिकॉर्ड भी किया, हम देखने को तरस गए मगर उन्होंने नहीं दिखाया, आपका बहुत आभार अगर आप इस न्यूज को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, धन्यवाद। लोकेश जी, आप ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट के एजेंडे से या भाईचारे से किस तरह मंदिर निर्माण, जिस तरह से भी हो, देखिए भाई साहब एक बात तो एकदम क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के मुद्दे को मंदिर की दृष्टि से नहीं, एक जमीन का मुद्दा मान रही है, वो जमीन का मुद्दा नहीं है, 100 करोड़ हिंदुओं का आस्था का विषय है, तो राम मंदिर एक जमीन का मुद्दा जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको मानती रहेगी तब तक ये विषय क्लियर हो ही नहीं पाएगा। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, दिन रात एक करके भारतीय जनता पार्टी को हम लोग केंद्र में और प्रदेश में लाए और हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, इसके बहुत से प्रमाण मेरे पास है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने खुले मंच से कहा था कि हम संसद में के अंदर कानून बनाएंगे और राम जी के मंदिर को बनवाएंगे।
फरमाएंगे। आज हम अपनी मांग को उनके ऐलान जो उन्होंने घोषणा की थी वही बात हम कर रहे हैं। आप संसद में कानून बनाइए, संसद में कानून बना करके मंदिर का निर्माण करें बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। 2019 में चुनाव से पहले राम मंदिर निर्माण का प्रारंभ, कोशिश हमारी यही रहेगी कि 2019 के चुनाव से पहले राम जी के मंदिर का निर्माण शुरू हो जाए, चाहे बने ये 3-4 साल बाद। कुछ जो राम मंदिर निर्माण भक्त आपके आने वाले हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे तो सब? जो भक्त हमारे यहाँ से आने वाले हैं, लगभग हमारा व्यक्तिगत हमारा टारगेट है, पश्चिम विधानसभा का टारगेट हमें दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक लमसम 9-10 हजार लोगों से संपर्क किया। हमारा लक्ष्य है 5 हजार लोग केवल मेरे साथ जाएं। ऐसे ही मेरी तरह राष्ट्रीय बजरंग दल के बहुत से महानगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं जिन्हें लक्ष्य दिया गया होगा पूरे भारतवर्ष में, जिनका लक्ष्य मेरे ही तरह 5 हजार का ही होगा। तो वही मेरा एक अनुमान है, मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि लमसम 3-3.5 लाख की संख्या लखनऊ उपस्थित हो रही है श्री राम जी के नाम। आपके साथ क्या कोई और भी हिंदू दल इस कार्यक्रम समस्त में? समस्त हिंदू संगठन इस कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। जो जो हिंदू संगठन भारतवर्ष में है, खासकर लखनऊ, लखनऊ इसका केंद्र बना है, तो लखनऊ के जितने हिंदू संगठन है इन सबका भरपूर प्यार डॉक्टर प्रवीण तोवलिया जी को मिल रहा है। धन्यवाद लोकेश जी, आपका हमारे पैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद।